नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे मलाड वेस्ट की, लेकिन इस सफ़र को जारी रखें उससे पहले आपको ये बता देना चाहेंगे कि आज हम देशभक्ति के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में भले ही उनके गले पर कोई छुरी रख दे, फिर भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इस चर्चा को समझना भी ज़रूरी है और महसूस करना भी ज़रूरी है कि अगर हम भारतीय हैं और भारत माता की जय कहते हैं तो क्या हम छोटे हो जाते हैं? आरपीआई के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और उनकी सोच के साथ चलने वाले लोगों के साथ आज हम इस चर्चा में शामिल होंगे। गौतम बुद्ध मार्ग है, मलाड वेस्ट का इलाका है और जाहिर तौर पर हर कोई ये चाहता है कि देशभक्ति का जज्बा जिसके भी दिल में है उसको एक बार मौका मिले तो सामने लाने का अवसर ज़रूर दिखाए। गीता जी हैं जो महाराष्ट्र महिला अघाड़ी के तौर पर लगातार महिलाओं की समस्या को उठाती रहती हैं, ह्यूमन राइट्स से भी जुड़ी हुई हैं और आरपीआई में एक्टिव नेता के तौर पर ये काम कर रही हैं। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप सबसे पहले क्या कहेंगी जिस तरह से ओवैसी साहब ने कहा हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? देखिए, अगर उन्होंने बोला है भारत माता की जय मत बोलो, तो उनको सोचना चाहिए कि ये अल्फाज बोलने के पहले कि आज हम भारत में पैदा हो गए, यहाँ पर खाते पीते बड़े हो गए, तो भारत माता की इज्जत करना चाहिए। भारत माता तो बरसों से बोलते आए लोग हैं, वो बदलेंगे कैसे? अगर उनको यहाँ देश की सेवा नहीं करनी है या देश में अंगार लगाने हैं, लोगों में अंगार लगाने, तो इसके लिए वो ऐसी उनकी जबान बदली होते जा रही है, मैं बोलूँगी आपको। क्या आपको लगता है कि इसमें भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मुझे तो लगता है पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स ही खेला जा रहा है कि लोगों की, उनको पहली तो लोगों की चिंता करो, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, लोग गरीबी में डूब रहे हैं, खाने पीने को नहीं है, काम धंधा नहीं, वो विषय छोड़ के आज ये मत बोलो, वो मत बोलो, वो करना चर्चा छोड़ दो, ये तो मैं तो सोचे राजकारण है सब। कभी इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है, जेएनयू में पिछले दिनों पाकिस्तान का नाम भी गूंजा था, और आज अगर हम बात करें इस देश में तो भारत माँ की जो भी स्थिति है वो सब कोई अच्छी तरह से जानता है, लेकिन भारत माता का दिल दुखता भी होगा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखती हैं इस बयान को? मैं बोलती हूँ कि जो भारत माता नहीं बोलेगा वो भारत में रहने के लायक ही नहीं है, उसको इधर से हकालना चाहिए बस। कहाँ हकालना चाहिए? वो जिधर रहना चाहते हैं पाकिस्तान में भेज देना चाहिए उसको। आप रेशमा जी किस तरह से देखती हैं इस तरह के जब बयान आते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई भारत माता की जय के ऊपर इस तरह का सवाल होना चाहिए? भारत में रहकर अगर जो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकता तो उसको अधिकार ही नहीं भारत में रहने का, तो उसने मतलब वो जहाँ से आए पाकिस्तान से वो वहीं पे जाना चाहिए, हम लोग उसका निषेध करते हैं। ओवैसी साहब आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे उनके लिए? चप्पल से मारेंगे और चप्पल का हार भी डालेंगे उसके गले में, अभी बोल रहे हैं बोलिए। जो भारत के नाम, भारत के प्रति उनके उनके पास कुछ अल्फाज ही नहीं है, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, तो उस इंसान को रहने का कोई हक ही नहीं है। मतलब ने जिस देश से वो आया होगा उसी देश उसको चप्पल के हारों के साथ सम्मानित करके उनको भेजना चाहिए, यही हम सब महिलाओं की मिस कोशिश है, बोलना चाहती है कि हम ऐसे करेंगे अगर वो हमारे सामने आए तो। अगर बस ना, लेकिन अगर देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति तो महसूस करने की चीज़ है। हाँ, देशभक्ति महसूस करने की चीज़ है, ऐसे दिखावे की चीज़ नहीं, लेकिन जो इंसान सामने से है ना बताता होगा कि नहीं मैं भारत में रहता हूँ, भारत का खाता हूँ, भारत का पहनता हूँ, भारत के लोगों के साथ रहता हूँ, एकजुट रहता हूँ, सम्मान के साथ रहता हूँ, बोलने वाला इंसान को इस चीज़ से क्यों डर लगता है? भारत माता जय बोलने में क्या उसको दिक्कत है? हाँ, किस बात की दिक्कत है उनको? उनको क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जय हो, ये बोलना, ये नारा देना चाहते हैं? बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि वो भारत में रह के भारत में खाते पीते रहते हुए पैदा भी यहीं हुए तो उनको किस बात का गर्व है कि वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, कि इस बात से वो क्यों इनकार कर रहे हैं? बहुत बड़े नेता है। जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि वो 3 शहर और 1 मोहल्ले का नेता है, उनको लगता है कि वो नेशनल लेवल के लीडर बन गए हैं। इस तरह का जब नेता समाज में आता है तो जो युवा नेता जो बनने का काम कर रहे हैं उनकी सोच पर कितना असर पड़ सकता है? ऐसा बयान दो कि रातों रात चर्चे में आ जाए। क्या है कि देखो, युवा पीढ़ी में चर्चा होगी नहीं, युवा पीढ़ी जागरूक हो जाएगी कि एक इंसान अपने यानी भारत में रह के भारत में पैदा होके आज समाज को, समाज में ये एक
अंगार लगाने की कोशिश करे तो युवा पीढ़ी जागरूक हो जाएगी। और युवा पीढ़ी को मैं आज एक संदेश देती हूँ कि युवा पीढ़ी ऐसे मूर्ख आदमी का बात सुनना नहीं चाहिए कि इनको सब्सिडी चाहिए, यहाँ पर आरक्षण चाहिए, भारत में रहने के लिए चाहिए, तो भारत माता की जय बोलने में किस बात की शर्म है इस इंसान को। तो मैं युवा पीढ़ी को यही बोलूँगी, ऐसे मूर्ख आदमी की बात सुनना नहीं चाहिए। आज हम लोग सालों सालों से भारत माता में पैदा हो गए, यहाँ ही रहते हैं, यहाँ ही खाते हैं, तो भारत माता हमारी भारत माता है, ये हम युवा पीढ़ी को बोलेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी यही कर बोल के चलेगी अगर हमारे युवा पीढ़ी में थोड़ी भी शर्म है तो युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे लोगों की बात नहीं सुने और अपना भविष्य चाहती है तो भारत माता की जय बोल के ही आगे चलना चाहिए। अगर कोई मना करेगा तो RPI का क्या एक्शन होगा? नहीं, अगर मना करेगा तो हम लोग रहने में नहीं देंगे भारत हमारे देश में, उसको बोलेंगे तुम भी भाग जाओ पाकिस्तान में उसके साथ। अच्छा, आपके एक सपोर्टर रह चुके हैं मानवाधिकार में, जैसा कि आपको पता है उनका नाम इश्ताक जागीरदार साहब है, वो MIM की तरफ से आज हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, मैं तो बोलूँगी कि वो गलत बोल रहे हैं, उन्होंने वो भी भारत में ही पैदा हो गए और भारत में ही पैदा हो के यहाँ ही खाते पीते हैं, यहाँ ही करते हैं, इतने सालों से उनको ये बात सूझी नहीं है कि भारत माता की जय ही बोलते थे, इतना दिन उनके मुंह से भारत माता की जय ही आती थी और आज MMA में जाके उनके अल्फाज बदले कैसे, यही मुझे मालूम नहीं है। तो उनको भी सोचना चाहिए कि भारत माता की जय पहले तुम बोल रहे थे, अभी तुम पार्टी में जाके अपने अल्फाज क्यों बदली कर रहे हो, ये मैं उनको सूचित करूँगी। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है, बहुत ही आसान नहीं है कि आप जिस देश में पैदा होते हैं, भारत माँ की अगर हम बात करें तो भारत माँ की जो महानता है हर कोई जानता है। आप क्या कहेंगे भारत माता के बारे में जब इस तरह की बातें लोग करते हैं कि हम जय नहीं बोलेंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि उनको भारत में रहने की लायक ही नहीं है जो लोग ऐसा नहीं बोलते, बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग हैं भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ बोलेंगे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? ओवैसी साहब, जो भारत माता की जय नहीं बोलता उसको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो देश से आया है वो इस देश में चले जाओ वापिस, उसको चुन के देने का लोगों ने भी सोचना मांगता कि ऐसा गद्दार आदमी को चुन के मत दो, सामने भी नहीं खड़ा करो, इतना मैं कहूँगा। अच्छा, देशभक्ति की अगर हम बात करें तो देशभक्ति हर कोई करता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये देशभक्ति ने, इसको क्या कहेंगे आप? उसने भी अपना बयान वापस बदली करके माफ़ी मांगना चाहिए, मेरे से गलती हो गया करके, और फिर वो देश में रहने लायक हो जाएगा और दोबारा ऐसा गलती नहीं करें, ऐसा करें, काम करें। यही महानता है भारतवासियों की कि अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो इस देश की जनता आपको माफ़ कर देगी, जिस तरह से इन्होंने कहा। लेकिन सबसे अहम है कि इनकी जो सोच है, आम आदमी एक जज्बा से जुड़ा होता है, देशभक्ति के पूरे माहौल को समझता है, लेकिन कोई नेता अगर इस तरह की बात करता है तो नाराज़गी होती है। आपको कभी कभी गुस्सा भी आता है क्या ऐसे नेताओं पर जो इस तरह की बात करते हैं? हाँ, आता है। जैसे अभी भारत में लेके आज वो जिस पोस्ट पे है वो पोस्ट भी भारत में ही मिली उसको, अगर वो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो वो पोस्ट पे रहने लायक ही नहीं है, उसको उस पोस्ट से निकाल देना चाहिए, ये मेरा कहना है। आपको लगता है कि वाकई उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है या निकाल देना चाहिए? मुझे लगता है उन्होंने बहुत बड़ी, मतलब जिंदगी की में सबसे बड़ी गलती की है ये अल्फाज यूज करके उन्होंने, और आज वो इंसान बोल रहा है भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता, कल वो इंसान बोलेगा कि ना ये झंडा वंदन नहीं किया जाएगा, राष्ट्रगीत बोला नहीं जाएगा, वो सब चीज़ों पे ना पाबंदी लगा देगा, ऐसे इंसान को पहले ही अपन ना पकड़ना चाहिए, अच्छे से ना उनको ऐसी कड़क शिक्षा देनी चाहिए, हर किसी ने, हर इंसान ने, हर पब्लिक ने सोचना चाहिए ये इंसान के मुंह से भारत माता जय का अल्फाज क्यों निकला नहीं, क्यों ये नाव कर रहा है इस शब्द को, इसके लिए उनको जब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको रोका जाए चाहिए। पिछले दिनों आमिर खान ने भी कहा था कि उनकी पत्नी को डर लगता है हिंदुस्तान में, आप महिला हैं, आपको आप लोगों को भी कभी उस तरह का डर लगता है कि इंडिया छोड़ के भाग जाए? नहीं, हम इंडिया के हैं तो हमें नहीं डर लगता है, ऐसे अल्फाज हमारे मन में आएगा ही नहीं, हम कहीं और जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, तो हम ये छोड़ के कैसे, इनसे हमको क्या डर है, ये सब हमारे भाई बंधु है, इनसे हमको क्या डर है, इनसे हम नहीं डरते हैं। हाँ, अगर हम पाकिस्तान में गए होते तो बोलते कि हमें डर लगता है, यहाँ हम एक पल नहीं रह सकते, ये बात है। और ऐसे भी आमिर खान ने कहा है कि मुझे डर लगता है मुझे औरत को, तो उनको ना ऐसे भी वहाँ पे जो पद था उनको, तो उनके
सत्यमेव जयते में वो सीनियर कुछ काम कर रहे थे तो उन्होंने उनको दरखास्त कर दिया, निकाल दिए काम पे से, तो घर पे बिठा दिए। वैसे इनका भी कुछ ऐसे ही हाल हो जाएगा अगर भारत माता जय नहीं बोलेंगे तो। आपको क्या लगता है, भारत माँ की जय बोलना मजबूरी है, जरूरत है या पॉलिटिक्स है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत में रह के भारत माता की जय बोलना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स है, मतलब वो झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हुआ ना, उनको देख के दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा। उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए ना, आगे कोई मतलब कोई बोलने के टाइम 10 बार सोचना चाहिए कि भाई उसने किया तो उसके साथ ऐसे हुआ तो मैं नहीं बोलूँ। मतलब यहाँ की जनता बहुत बेकार है, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे होना चाहिए, उनके साथ निषेध करना चाहिए, बहुत बड़ा निषेध करना चाहिए उनका। अच्छा गीता जी, उनकी यहाँ में यहाँ पूरी पार्टी के लोग मिला रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को जो ओबीसी साहब की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको भी लगता है भारत माँ की जय नहीं बोलने की जरूरत है? अभी देखिए, जो मोमेडियन लोग रहते हैं वो सजदा करते हैं, जो जमीन पर 5 बार अपना माथा रखते हैं, जो नमाज के टाइम जो सजदा करते हैं तो जमीन पर 5 बार वो लोग माता, इसी धरती माता के ऊपर वो माथा टेकते हैं और नमाज करते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जो लोग मूर्ख है उनको हाँ को हाँ मिला रहे, तो मैं तो सोचती हूँ अगर ये जनता भड़क जाएगी ना तो इनका कोई यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से ये लोग सावधान रहे, जैसे हमारे महिलाओं ने कहा, ये लोग बोलेंगे वंदे मातरम मत कहो, आज हमारा ये मत करो वो मत करो, यानी हमारी जितनी परंपरा चलती आई है इस देश में, इनको रुकावट लाएंगे, तो अभी से इनको रोकना चाहिए। ये हमारे सब जनताओं का काम है, हमारे आरपीआई का काम है, और हमारी आरपीआई तो बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में हम लोग तो पीछे हटेंगे नहीं, यही मैं बोलूँगी आपको। पीछे नहीं हटेंगे, और जाहिर तौर पर इनकी जो सोच है उसको आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और लोगों की राय हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए अरविंद राजतोष के साथ मुंबई की आवाज़। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं अरविंद राजतोष, आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज़, गौतम बुद्ध मार्ग से देख रहे हैं, मलाड वेस्ट में इलाका है। आप किस तरह से देखती हैं जब इस तरह का बयान आता है कि भारत माँ की जय नहीं बोलूँगा? तो उनको रहने का कुछ यही नहीं है भारत में, उनको भारत माता की जय नहीं बोलना है। जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो पैदा हो गए, जहाँ से वो छोटे से बचपन से बड़े हो गए, जो उनका आमदार है अभी, वो उनको कौन सा इसने भारत के ही सब संख्या उनको मतलब एक जिता के दिया है, उनका ही उन्होंने विचार नहीं किया। भारत माँ की जय नहीं बोलेगी तो वो क्या बोलना चाहते हैं? पाकिस्तान की जय, आपको यहाँ नहीं रहना है तो भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे तो आपको रहने का भी कुछ हक नहीं है। जिस घर में जो इस तरह से आपको आपका माँ ने जन्म दिया, वो सब हिसाब से आप भारत माँ, सबकी माँ है वो, आपकी माँ को कोई इंसल्ट करेगा या उनको कोई बुरा बरा कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, वो उस तरह से हम लोग को भी बुरा लग रहा है। आपको यहाँ रहने का, भारत में रहने का कुछ हक नहीं है, आप पाकिस्तान ही जाइए। आपको लगता है कि उनको पाकिस्तान जाना चाहिए? हाँ, उसको पाकिस्तान ही जाना चाहिए, और उसको इधर रहने का हक भी नहीं है। ऐसा इंसान को तो चप्पल से मार के, उसको चप्पल का हार पहना के उसका गांव भेजना चाहिए, क्योंकि वो इधर रहने का लायक ही नहीं। जब जिधर वो पैदा हो गया, जिसने सब जो भूमि ने उसको सब दिया है, उसका वो इंसल्ट कर रहा है, उसको वो सलाम नहीं कर रहा है, उसके उस वो जय हिंदी भी नहीं बोलने के लायक है, कौन सा भी लायक भी नहीं है, उसको इधर रहने का भी कोई हक नहीं है। ये जो बार बार बोल रहे कि चप्पल का माला पहनाना जाना चाहिए, इसको किस तरह से देखती हैं आप? अभी देखो, ये तो लोगों की भावना है, आप समझ रहे हो कि लोगों को कितना गुस्सा आ रहा है, तो इन चीज़ों को गुस्सा तो आएगा ना कि हम लोग इसी धरती में पैदा हो गए, इसी यहाँ ही पल रहे, यहाँ ही खा रहे। वो बोलते हैं ना कि इस धरती में सोना उगले उगले ये हीरे मोती, मेरे देश की धरती, तो ये धरती में हम यहाँ पर सब रहते हैं, तो देश वाले तो हमारे बोलेगी। अगर तुम पाकिस्तानी मोमेडियन हो तो मोमेडियन से ये शुरुआत हो गई, ये तो मैं सोचती हूँ राजकारण है और कुछ नहीं है। इतने सालों से बचपन से लेके अभी बड़े हो गए, तो उस वक्त इनको ये अल्फाज सूझे नहीं है बोलने की। अभी कहाँ से इनको क्या खाब गिरा है इनको कि ये ऐसे बोले कि भारत माता की जय मत बोलो? ये तो मुझे लगता है उनका दिमाग घूम गया या पागल हो गई शायद। अभी 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है क्या कहीं उस ध्यान में वो भी हो? नहीं, चुनाव होने वाला है, चुनाव में उनका ऊपर बहुत फर्क गिरने वाला है। भारतीय मुसलमान उनकी बात तो मानता नहीं है, मानेगी ना? अभी कितने व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं हमको कि कितने मुसलमान है जो उनको अगेंस्ट करे, खुद मुसलमान के व्हाट्सएप आ रहे हैं हमको कि ये रॉन्ग बोला जा रहा है। तो मैं यही सोचती हूँ कि मोमेडियन की बहुत से मोमेडियन से उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। भारत माता की जय बोलने की एक परंपरा सी रही है, और इस देश में जो लोग भी रहते हैं उनको पता है कि भारत माता का मतलब क्या होता है। एक माँ अपनी होती है और एक राष्ट्र माता होती है। सुनील, आप किस तरह से इस विवाद को देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में अक्सर इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता है, ऐसे आदमी को तो
भारत की धरती पे जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। और ऐसे गद्दारों को तो लात मारना चाहिए, इसको ख़त्म ही करना चाहिए। इनको राजनीति करना है तो देश को लेके बंटवारा करने का बात, मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं ऐसे गद्दारों को। और कोई मुसलमान ऐसे गद्दार नेताओं के साथ में नहीं रहेंगे। और ऐसे मुसलमान जाग उठेंगे कि ऐसे भारत के साथ गद्दारी करने वाले, जो चाहे वो MLA हो चाहे आम नागरिक हो, ऐसे इंसान को भारत की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने बहुत लंबे समय से राजनीति को देखा है, अलग अलग पार्टियां आई हैं इस देश में, सरकारें बनी हैं, इस तरह की भाषा पर पहले भी कभी हंगामा होता था क्या? नहीं होता था, कभी भी नहीं आता। ये पहली बार ऐसा हुआ, जानबूझ के देश को भड़काने का काम कर रहा है, जबकि लड़ाई हो जाए और उनका मजा आएगा, लेकिन देश का नुकसान होता है लड़ाई में। ऐसा कहना अच्छा नहीं है। उनको बोलो वापिस एक बार माफ़ी मांगो लोगों से, मेरे से गलती हो गया करके, दोबारा ऐसा गलती ना करे। आप जब इस तरह के नेताओं को देखते हैं तो आपको पता है जब कोई नेता बोलता है तो जनता पे बहुत असर होता है, आपको कितना लगता है खतरा कि इससे असर होगा? उन लोग को पहली बार उसको जो बोला ना वंदे मातरम बोलना ही जरूरी है, वो नहीं बोलेगा तो उसको इधर भारत माता की जय बोलना जरूरी है, नहीं बोलेगा तो उसको चप्पल का हार पहनाना मांगता है। और उसके पहले उसको आपके खिलाफ वो खड़े भी तो हो सकते हैं ना इलेक्शन में, उसको हारना मांगता है, वो जितना ही नहीं मांगता पब्लिक उसको है ना चप्पल से मारना मांगता है उसको। आपको क्या लगता है कि आज क्या रद्द करना जरूरी है उसका? आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा समझदार है, पढ़ी लिखी है, इस तरह के बयान आते हैं तो क्या भटकने का भी डर रहता है? भटकेंगे तो नहीं, क्योंकि युवा पीढ़ी के ऊपर अपना भारत का देश है और उसके ऊपर सब कुछ है, तो नहीं भटकना चाहिए। अगर आप RPI की बात करें तो RPI आने वाले समय में किस तरह का आंदोलन करेगी? ऐसे देश के खिलाफ जो बोलेगा, देश के साथ देश के अंदर रहने के बावजूद भी देश के खिलाफ जो जाएगा, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से माननीय रामदास आठवले की नेतृत्व की चलने वाली पार्टी इसकी कड़ी निंदा करेंगे, रास्ते पे रुकेंगे। और ऐसे इस पार्टी का समझो यहाँ पे झंडा लगता है, कोई कार्यकर्ता रहता है तो उनको भी पिटने का काम रिपब्लिकन पार्टी मलाड विधानसभा में जरूर करेंगी। ये जो भाषा बोल रहे हैं पिटने का काम, उसको आप किस तरह से देखती है? देखो आठवले साहब तो आपको मालूम है कि एक संघर्ष नेता है, और ऐसे गलत अभी जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये जो हमारा आज देश भर में हमारा ये चला है, तो इस हिसाब से तो आठवले साहब आपको मालूम है कि हमारे आठवले साहब नंबर वन है, आज हमारे राष्ट्रीय हमारे नेता है वो बड़े, तो इस हिसाब से हम लोग RPI के तरफ से अभी गमरे भाई साहब ने बोला ये बात बराबर है, इनको पीटेंगे नहीं, इनको यहाँ देश से हम लोग भगा देंगे, ये मैं आपको बोलती हूँ। इस तरह की बयान पर भी अक्सर राजनीति होती है, तो आपको लगता है कि बाकी पार्टियाँ इससे फायदा उठा सकती हैं कि भाई ये सही नहीं है हम सही हैं? नहीं, हो सकता है बाकी पार्टियां भी फायदा होगी, जैसे जय महाराष्ट्र वाले हैं, ये सब पार्टी है, ये कोई भी पार्टी है ये मंजूर करेगी ही नहीं कि इन्होंने जो अल्फाज बोले कि भारत माता की जय मत बोलो, सब पार्टी अगेंस्ट करेगी, ये मैं दावा करती हूँ आपको। और जावेद अख्तर साहब जो है वो राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने भी उनका विरोध किया है, आपको लगता है कि बाकी जो मुसलमान हैं इस देश के जो मुसलमान हैं उन पर किस तरह से भरोसा किया जाए, क्योंकि ओबैसी को लगता है कि सबसे बड़े मुस्लिम नेता वही हैं? देश के मुसलमान कोई इसके समर्थन में नहीं होंगे, ओबैसी जैसा नेता शायद तो अक्ल नहीं होने वाला ऐसा MLA या होगा, वैसे नेता खुद को समझता है, लेकिन कोई मुसलमान ओबैसी के पीछे नहीं रह सकती है। भारत के अंदर रहने वाला हर मुसलमान हर हिंदू भारत माता की जय बोलने वाला है, भारत के लिए मर मिटने वाला है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, मुसलमान हमेशा भारत के साथ रहा है। मुसलमान होगा तो भारत के मुसलमान कभी दूसरे मुसलमान के बराबर नहीं होता है, वो हिंदुस्तान के साथ में रहता है। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, इस तरह के बयान से देश को कितना असर पड़ता है? देश को बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये इन्होंने जो बोला है ना उल्टा सीधा, वो नहीं बोलना चाहिए, और वापिस उसने भी बोलना मांगता है कि मैं बोला गलती से मेरे से हो गया, वो वापिस कभी नहीं बोलूँगा, अब लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, बस यही मेरा वादा है। और मोदी जी ने जो पिछले दिनों कहा था सबका साथ सबका विकास, ये तो विकास नहीं हो रहा है? विकास तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत देर लगेगा, जो जैसा जो कानून ला रहे हैं ना 2-3 साल लगेंगे, तब तक जनता भड़क उठेगी और फिर वो गड़बड़ हो जाएगी वापिस देश में, इसीलिए ऐसे नेताओं को राजनीति में रहना चाहिए कि नहीं?
अभी वो लोग गवर्नमेंट सोचेगी क्या करना है, वो अपने को इतना बड़ा बोलने का नहीं होगा ना। लेकिन आप ही तो जनता है, सरकार को बनाते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में रहना चाहिए कि नहीं, कि ये जहर घोलने का काम मोदी जी को? नहीं नहीं, ओबीसी साहब नहीं, नहीं नहीं, उसको तो रहने का हक ही नहीं हो, तो हमने अभी आपको जनता की भी बात सुनी आपने, उसको तो रहने का हक ही नहीं। मैं तो सब जनता को रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए कि आज हमारे बच्चों के ऊपर इसका माइंड का इफेक्ट हो सकता है, और हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी हमारे मोमिडियंस लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो यहाँ पर पैदा हो गए रह गए हैं, तो हमारा साथ ज़रूर देंगे। इस देश में रहने वाले मुसलमानों को भी मैं सलाम करती हूँ कि वो अगर हमको अपने इस इंसान ने जो आवाज़ उठाई है, वो भी मुसलमान है, तो वो भी सोचना चाहिए कि और मुसलमान जो हमारे हैं अच्छे लोग हैं, तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट नहीं होएगा। मुझे मालूम है कि इस धरती में पैदा हो गए, यहाँ ही रहते, यहाँ ही खाते, तो कोई भी हमारे मुसलमान बदलेगे नहीं। एक इंसान बदला तो क्या हो गया, लेकिन और इंसान बदलेगे नहीं, ये मैं बोलती हूँ। इंसान बदल जाता है तो सोच बदल जाती है, सोच बदल जाती है तो तस्वीर बदलती है, और तस्वीर बदलती है तो तकदीर भी बदल जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मुंबई की महिलाओं की हम बात करें, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि इस तरह की जब बातें होती है कि हम जय नहीं बोलेंगे, हम जय बोलेंगे, तो समस्याओं को भी छुपाने का काम होता है इसमें। नहीं नहीं, समस्याओं को छुपाएंगे कैसे, वो तो सामने से ही बोल देते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो ये तो ये नहीं है ना, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नारा दो कि पब्लिक आपस में उलझ जाए, अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं जाए। भारत इस खतरा को आप महसूस करती हैं? हाँ करती हूँ ना, सब लोग यहाँ तो भारत में तो सभी प्रांत के लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म के, सभी जाति के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हर अपन देखो झंडा वंदन रहता है, किसी के लिए सब बोलते हैं भारत माता की जय, सब राष्ट्रीय गीत होता है, सब होता है, भारत माता की जय सब लोग ही बोलते हैं, लेकिन ये पहले बार के ये गलत हो गया है। भारत में इतने सारे लोग हैं, मतलब सब जाति प्रांत के सब है, तो उन्होंने सबने सब बोलते हैं मुस्लिम रहने दो, कोई भी आज तक अभी तक के भारत में कभी ऐसा नहीं हो कि ये मुसलमान है करके मैं हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मैं तो उनको यही भी कहूँगी, आपका जन्म यहाँ हुआ है, फिर आपका समझो कोई भी भारत कितना वो जो माता है मरने के बाद उनको जो बॉडी रहता है उसको दान करते हैं या फिर ये करते हैं उनको, ये तो उनका वो जो बोल रहे भारत माता की जय नहीं कहते, उनको बाद में क्या करने का वो इंसान का? लोकतंत्र में इधर आ जाइए थोड़ा सा, लोकतंत्र में जब इस तरह की भाषा होती है तो आपको क्या लगता है कि वाकई हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाता है? नहीं नहीं, लोकतंत्र कमजोर कैसा हो जाएगा, लोकतंत्र तो अपना बहुत मजबूत है, लोकतंत्र बदलेगा नहीं। अगर मैंने आपको अभी पहले ही बोला कि एक इंसान से बोलने से या उसके पास हजार लोग रहेंगे, लेकिन हमारे करोड़ों जनता है वो ये बात नहीं मानेगी, इतना मेरा विश्वास है कि ये भारत माता पैदा से लेके हमारे बच्चे स्कूल में जाते ही भारत माता की जय, वंदे मातरम सब बोलते आए, तो बदलेंगे कैसे? तो बच्चे को ये बदलने वाली ये भाषा नहीं है, तो उनको बोलना अपनी अल्फाज अपने पास ही रखे, जितना चिल्लाने अकेली चिल्लाए, हमारी जनता कोई चिल्लाने वाली नहीं उसके साथ। आप क्या कहेंगे? मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी रहो, मगर हिंदुस्तान का भारत माता का ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लिए हम अपन मुसलमान हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, अपन हिंदुस्तान का भारत माता जय बोलना ही पड़ेंगे, सब साथ में रहने का, मिल के रहने का, वो बात करने का सही है। जो भी उन्होंने कहा उसको आप समझ सकते हैं, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज देशभक्ति को लेकर विवाद उठ गया है, और सबसे बड़ा सच यही है कि इस धरती पे रहना है, अगर भारत माँ को आप मानते हैं तो कोई गलत नहीं है कि आप उनकी जय बोलें, दुनिया माने या ना माने, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके साथ मैं भी बोलूं भारत माता की जय। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आज के इस सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे कैमरामैन सागर चौगुले के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।